कम बैक टू एग्जाम्पल सी एच फ्रेंड्स, पोएट्री ड्रामा के बाद अब हम प्रोज की चर्चा करेंगे और प्रोज में आज पहला जो टॉपिक है वो यस्से है। क्या है? यस्से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यस्से की बात करेंगे और यस्से में जितने भी प्रकार के यस्से होते हैं और जितने राइटर्स होते हैं और ऐसे पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं आज करीबन 35 to 40 एमसीक्यूज होंगे ऐसे पे और फुल्ली इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए। कह रहा है कि ऐसे इज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज विच नेम्ड बाय मोंटेंग। इन मोंटेंग के द्वारा नाम दिया गया था ऐसे का। फ्रेंच राइटर थे और जिनका ऐसे का नाम था एसाइज। और यह जो शब्द है वह निकला है कहाँ से? एस्से से, विच मीन्स टू अटेम्प्ट, जिसका मतलब अटेम्प्ट होता है। फ्रांसिस बेकन फर्स्ट यूज द एस्से व्हेन ही रोट हिज सीरीज ऑफ एसेज इन 1597। कह रहे कि पहले ऐसे एसेस्ट थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया। किसमें? तो कह रहे हैं सीरीज ऑफ एस्से इन 1597 में। फलस्वरूप हिज ही पब्लिश हिज सीरीज ऑफ एसेज इन 1612 एंड 1625। ठीक है, देर आर सम काइंड्स ऑफ एसेज। पीरियोडिकल एसेज की बात करेंगे सबसे पहले। कह रहे दिस एसेज आर अपियर्ड इन लोकल जर्नल्स इन द 18th century। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में ये पत्रिकाओं में यह पब्लिश हुआ करता था। बेसिकली इसमें जो एडिशंस का जो स्पेक्टेटर है और स्टेज का जो टेटलर है, टार्टर नहीं होगा, टेटलर है, बिकम पॉपुलर। सो यानी पीरियडिकल ऐसे के तौर पे बहुत फेमस हुआ था। डॉक्टर जॉनसन ने भी रैम्बलर और आइडलर करके दो ऐसे लिखा है पीरियडिकल में। पर्सनल ऐसे की बात करते हैं तो कह रहे हैं पर्सनल एसेज भी केम टू द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जनरा वेन द एसेस्ट नरेटेड देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो वही पर्सनल एसेस कहलाता है। और ये बेसिकली क्या कह रहा है? इगोस्टिकल होता है, इगोटिस्टिकल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल एसे इगोटिस्टिकल होता है। आगे बढ़ें। बेसिकली इसमें जो अच्छे एसेस्ट का नाम आता है विलियम हेजलेट, चार्ल्स लैम्ब और स्टीव कॉलरिज का आता है। अपरिस्टिक ऐसे की बात करते हैं तो इनमें आपको बता दें बेकन ऐसे, जो बेकन के ऐसे हुआ करता है वही है, अपरिस्टिक स्टाइल में लिखा जाता था, आपको पता है। चलिए, द क्रिटिकल रिव्यू की बात करते हैं। द वैग्यू ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू और जर्नल इन द गेम इन द 19th century। कह रहा है कि जो जर्नल्स या रिव्यूअर्स हुआ करते थे जो 19th century में, बेसिकली इनका उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि पीपुल बिलीव दैट द डेथ ऑफ किड्स वॉज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल अटैक इन द क्रिटिकल रिव्यूज। कह रहे क्रिटिकल रिव्यूज की वजह से उनका डेथ हुआ था, लेकिन अफवाह कह सकते हैं या जो भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, जानते ही हैं। चलिए, अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट सीरीज एंड वैल्यूम ऑफ एसेज आर एज फॉलो। कह रहा है कि वैल्यूम ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन का है और 106 एसे इसमें शामिल है। टाइम्बर ऑफ डिस्कवरीज बेन जॉनसन का है। करेक्टर ऑफ वर्चुअस एनवायर जोसेफ हॉल का है। मिसलनी ट्रैक्ट्स एंड मिसलनी और थॉमस ब्राउने का है। इसमें इंपॉर्टेंट है जॉन मिल्टन का, देख लीजिए, जॉन मिल्टन का ट्रैक्ट्स जो है, जॉन मिल्टन का। डेनियल डेफो का रिव्यू है। ठीक है, स्टेटलर रिचर्ड स्टील का है और द स्पेक्टेटर एडिसन स्टील दोनों लोगों का है। सिटीजन ऑफ अर्थ गोल्डस्मिथ का, और उसके बाद विलियम हेजलेट का देख लीजिए, द राउंड टेबल विलियम हेजलेट का। डी मिसलेनिया जो है डी क्विंसी का है। एसे ऑफ एलिया चार्ल्स लैम्ब का है, सबको पता है। थॉमस कार्लाइल का मिसलेनीज है। जॉन रस्किन का क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव है। अल्फा ऑफ द प्लफ एजे गार्डिनर का है, सॉरी। ठीक है, और आगे देखते हैं। उसके बाद बता रहा है कि मिक्स्ड एसे है अर्नॉल्ड का, रिनेंसा है वाल्टर पेटर का, द रिनेंसा भी एक एसे है वाल्टर पेटर का।
ठीक है, मेमोरीज एंड पोर्ट्रेट्स जो है आर एल स्टीवेंसन का है, एंड इंग्लिश जर्नी जे बी प्रिस्टली का है, और टू कल्चर्स सी पी स्नो का है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला जो एम सी क्यू जो वो कौन सा क्वेश्चन है। वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम, तो कह रहा है कि लैटिन जो टेक्स्ट है उसमें लिखा गया था, उससे लिखा गया था, ट्रांसलेट किया गया था बाइबल को वाइक्लिफ के द्वारा। मिल्टन डिफेंड पीपुल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एरोपाजिटिका, ठीक है। व्हाट इज द रस्किन्स अनटू दिस लास्ट, तो कह रहा है कि हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एस्से, यानी रस्किन का हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एस्से था। कह रहा है कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, किसने बोला था 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो कह रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था किसको, 18th सेंचुरी को, किसको, 18th सेंचुरी को, क्या बोला था, किसने बोला था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। द बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज, तो कह रहा है कंपेरेटिव, क्या, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न पोएट्स, ऐसे का नाम है। हु इज वाइडली बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ द एस्से, कह रहा है कि सबसे फादर ऑफ एस्से किसे कहा जाता है, तो मॉन्टेग्नो को बोला जाता है। बात इंग्लिश एस्से की करते हैं तो प्रिंसेस बेकन हो जाएंगे। व्हेन वेयर द एसाइज मॉन्टेग्नो फर्स्ट पब्लिश करा, जो एसाइज था वो 1580 में पब्लिश हुआ था बाय मॉन्टेग्नो। कह रहा है डॉक्टर जॉनसन यानी सैमुअल जॉनसन की बात, कॉल्स द एस्से एज लूसली ऑफ द माइंड, क्या कह रहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था एस्से को अ लूज शैली ऑफ द माइंड, याद रख लीजिएगा लूज शैली ऑफ माइंड, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी एसेज इन द ऑल डिड बेकन राइट, बेकन ने कितना एसे लिखा था, तो 106 एक सीरीज में। पर्सनल एसेज आर ऑल्सो कॉल्ड द इगोस्टिकल, मैंने बताया था जो पर्सनल एसे होता है इगोस्टिकल कहलाता है, ठीक है। बेकन एसे आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपोरिस्टिक स्टाइल, आपको पता है कि बेकन का जो भी एसे था एपोरिस्टिक बेस था और एपोरिस्टिक स्टाइल में वो लिखा करते थे। सेंटबरी कॉल्स एन एसे, सेंटबरी ने एसे को क्या बोला है, द वर्क ऑफ प्रोज आर्ट, सेंटबरी ने क्या बोला, अ वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। और देखिए यहाँ पर इसने किसने बोला था, लूज शैली ऑफ द माइंड, तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी एसे डिड बेन जॉनसन राइट, तो कह रहा है बेन जॉनसन ने 171 एसे लिखा था, 171 एसे। नेम द राइटर ऑफ कलेक्शन ऑफ एसेस विच वेयर पब्लिश अंडर द टाइटल डिस्कवरी, तो कह रहा है डिस्कवरी जो टाइटल है एसे का बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, नेम द एथर हु हैज ड्रॉन सम कैरेक्टर स्केचेस अंडर द टाइटल बेलमैन ऑफ लंदन, तो ये थॉमस डेकर का है, किसका है फ्रेंड्स, थॉमस या थॉमस डेकर का है। आगे बढ़े, व्हाट वर द पॉलिटिकल पंपलेट एंड शॉर्ट रीट ऑफ मिल्टन स्कॉल्ड, तो कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पंपलेट हुआ करता तो उसे ट्रैक्ट नाम से जानते हैं। नेम द पीरियडिकल दैट वॉज ब्रॉड आउट बाई डेनियल डेफो, डेनियल डेफो के द्वारा जो पीरियडिकल ऐसे आया था उसका नाम था रिव्यू। विच जर्नल वॉज ब्रॉट आउट बाई रिचार्ड स्टील इन विच एडिशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ऑकेजनली, कह रहा है कि जिसमें स्टील का भी आया था और एडिशन का भी हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन था, वह था टेटलर, क्या था, टेटलर और स्पेक्टेटर स्टूडेंट्स उनके द्वारा कोलाबरेट किया गया है। नेम द जर्नल दैट ज्वाइंट ब्रॉट बाई द एडिशनल स्टील, एडिशनल और स्टील की बात अभी मैंने आपको बताया था, तो टेटलर के साथ साथ एक्सपेक्टेटर में उन्होंने पूरी तरीके से कोलाबरेट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वॉज नॉट ब्रॉट बाई डॉक्टर जॉनसन, स्पेक्टेटर और टेटलर के बारे में आपको बता दें कि LT सिलेबस में भी इनको अच्छे से पढ़ा जाना है। हाँ, डॉक्टर जॉनसन की बात कर रहा है कि कौन डॉक्टर जॉनसन के द्वारा नहीं है, तो आपको बताया था डॉक्टर जॉनसन के द्वारा ए नहीं है। रिव्यू जो है डेनियल डेफो के द्वारा लिखा गया है, द एडवेंचरर द आइडलर और रैम्बलर जो है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा है। एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब है, पर्सनल एसे है चार्ल्स लैम्ब का, एसे ऑफ इलिया, क्लियर है। हु हैज रिटेन टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, तो ई एम फॉस्टर है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी के लिए, ई एम फॉस्टर। नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ द वीक,
तो कह रहा द एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ द ट्रॉरी, तो इसका हो जाएगा क्वार्टरली, ठीक है क्वार्टरली। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ द एसे एंड इमेजरी टेटर्स नेम इट्स राइटर, कह रहा है कि बताइए कि सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एसे, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एक एसे का कलेक्शन है, बताइए इसके लेखक कौन है, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ है। कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। हुज आर्टिकल एंड एसे आर नोन एज कवरली पेपर्स, और बता रहे किसका जो आर्टिकल्स या एसे है जो कवरली पेपर के नाम जाते हैं, तो जोसेफ एडिसन की बात करते हैं, ठीक है जोसेफ एडिसन। नेम द एसेस टू हुज एसेस वेयर पब्लिश अंडर द टाइटल आई फॉर वन, यानी किस टाइटल से, यानी एसे था लेकिन एसे का टाइटल था आई फॉर वन, तो जे बी प्रिस्टली का था। किसका? जे बी प्रिस्टली का। नेम द एसेस टू हुज एसेस वेयर पब्लिश अंडर द टाइटल अल्फा ऑफ द फ्लफ, तो ए जी गार्डिनर का क्या बोलते हैं अल्फा ऑफ द फ्लफ नाम से उनका एसे पब्लिश हुआ। Whoever wishes to attain an English style familiar but not coarse and yet elegant but not ostentatious should give his day and night to the volumes of Edison. One of the critics wrote it. Name that critic. तो critic का नाम है Dr. Johnson, बोले तो Samuel Johnson, ठीक है ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, whose essays or articles are published under the Strangers and Brothers, देखिए कह रहा है कि स्ट्रेंजर्स और ब्रदर्स नाम से किसका जो टाइटल था वो क्या बोलते हैं एसे का, किसके द्वारा, तो यह है सी पी स्नो के द्वारा। क्या है फ्रेंड्स आंसर होगा? सी पी स्नो, स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स। ओके थैंक यू।